अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को साइमा बाजी के खाने में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनाब बहुत ही ज़बरदस्त से छोले और आलू के चावल, झटपट तैयार होने वाले। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट सा आलू छोले का चावल। ठीक है, इसमें हमें करना कुछ भी नहीं है, बस एक चम्मच मैंने ये मेरे पास चॉप हुई हुई प्याज थी एक चम्मच डाली, एक कड़ी पत्ता, ठीक है, दो साबुत मिर्ची और ये जीरा काली लौंग और छोटी काली मिर्च डाली। बस इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, ये झटपट से हमारे चावल तैयार हो जाते हैं। आज मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, अगर चले यही बनाते हैं। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच लहसुन का, ठीक है। ये डालने के बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून किसी भी मिर्च और कुटी हुई मिर्च, साथ ही डालेंगे दो चॉप, मैंने दो रफ काटे थे टमाटर और 3 हरी मिर्च, ठीक है। अब इस मसाले को अच्छी तरह से, और कोई मसाला नहीं जाएगा इसमें, बस कुटी हुई मिर्चें पिसी हुई मिर्चें हर घर में होती है, टमाटर भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब घर में है। जल्दी से ये झटपट से हमारे आलू छोले की चावल तैयार हो जाएंगे। अब इसमें जाएंगे ये दो मेरे पास आलू थे, वो मैंने काट के किसी भी शेप में काट लें और डाल दें। झटपट की ये रेसिपी है, ठीक है। और नमक अभी हम नहीं डालेंगे, जब हम पानी डालेंगे और हम अपने चावल डालेंगे उस वक्त हम नमक चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें जाएगा पानी ताकि ये हमारे आलू गल जाएं। फिर जब हमारे आलू थोड़े से गल जाएंगे ना हाफ, तो हम इसमें छोले डालेंगे, क्योंकि छोले हमारे बॉयल हैं, ठीक है। इसको मैं कवर करके रखती हूँ। देखिए हमारा ये देखा हाफ कुक हुए हैं, दो आलू हैं पूरे नहीं हुए। अब मैं इसमें छोले डाल दूँगी, क्योंकि छोले मेरे उबले हुए हैं ना। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला लग रहा है, और क्या सिर्फ कुटी हुई मिर्ची और पीसी हुई मिर्ची, बस ये छोले उबले हुए थे मेरे रात के थे, मैंने रात में छोलों का सालन बनाया था वो बच गए थे, मैंने करना है इसको ही काम में ले लेती हूँ। बस अब इसको मैं रख दूँगी ढककर, ताकि छोलों में भी मसाले की खुशबू आ जाए, फिर हम इसमें डालेंगे चावल, ठीक है। चल हम देखते हैं हमारे ये आलू गले हैं या नहीं। ये गल गए हमारे आलू, और छोले तो हमारे बॉयल थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने इसमें नमक चेक करके डाल दिया था ना, आप भी अपने चावलों के हिसाब से, ये आधा किलो चावल थे मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ठीक है। आप इसको मिक्स करेंगे, और अपने चावलों के हिसाब से ना आप लोग नमक और पानी देखिएगा। ये मैंने मेरे पास जो चावल थे ना, वो मैंने 5 मिनट पहले भिगो दिए थे। अब मैं इसको कवर करके रखती हूँ, इसमें भजक आएगी फिर मैं आपको देती हूँ। अब देखते हैं इसमें भजक आई कि नहीं आई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें अब क्या करना है, अब मैंने इसको आँच जो है चूल्हे की वो हल्की कर देनी है, ठीक है। इसको हम दम पे लगाएंगे और जर्दे का रंग डालेंगे, और ये हमारे 15 मिनट में तैयार चावल, ठीक है। अब मैं इसको कवर करती हूँ, अब देखते हैं चावल हमारे कहाँ तक पहुँचे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे चावल बनके रेडी हो गए, ये देखें ज़बरदस्त। देखा ना कैसे झटपट। अब मैं चूल्हे को ऑफ करती हूँ, इसको डिश ऑफ करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जनाब कितने ज़बरदस्त से हमारे छोले आलू चावल तैयार हो गए झटपट से। इसके साथ मैंने ली है ग्रीन चटनी, जिसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा और एक टमाटर से मैंने पीस लिया था, ठीक है। और यह है रायता, इसमें मैंने काली मिर्च और काला नमक का यूज़ करा है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।